गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिंग एज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द कंडीशन दिस। बीएससी के लिए ये वाले टॉपिक क्लास सिलेबस में नहीं है, बस तुम्हें कंडीशंस याद रखनी है कि किस कंडीशन के अंडर ये लिमिटिंग फॉर्म बन जाता है बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड नीदर पी एन नॉर क्यू विल इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या है, ना तो पी ज्यादा छोटा होना चाहिए ना क्यू, क्योंकि हमने पॉइजन में किया था कि पी टेंडिंग टू जीरो एंड क्यू टेंडिंग टू वन, लेकिन यहां पे क्या है कि दोनों ज्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल कर्व। ये आ सकता है जैसे 2 मार्क्स में जो डेफिनेशन आती है उसमें आ सकता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है, द कर्व इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन म्यू। तो तुम्हें हमेशा ये याद रखना है, इसने बोला है कि जो इसका जो कर्व होता है वो हमेशा बेल शेप्ड होता है। बेल शेप्ड ऐसे मतलब सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल कैसे, अबाउट म्यू लिखा है ना, जेड इज इक्वल्स टू म्यू, मतलब इस लाइन के अबाउट जो ग्राफ यहां होगा वही ग्राफ यहां होगा। तो ये सिमेट्रिसिटी होती है, सिमेट्रिसिटी जो यहां पे कर्व बना हुआ है वही वहां पे बना हुआ है, तो ये सिमेट्रिसिटी होगी। और बेल शेप्ड कैसे, बेल कैसे होती है, ऐसे होती है ना कर्व शेप में, तो वो ऊपर से बेल शेप्ड बोल दिया इसको। अबाउट द लाइन म्यू, सिमेट्रिकल किसके अबाउट है, ये म्यू मीन के अबाउट इसका कर्व क्या होता है, बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल। ये देखो इसका कर्व दे ही रखा है। उसके बाद बोला है ये x इक्वल्स टू म्यू लिखा है ना, यहाँ पे z इक्वल्स टू म्यू लिख लेना। उसके बाद मीन मीडियन मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्साइड और इक्वल। जैसे तुमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ा था, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरियंस लैम्डा होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे इसका जब तुम मीन निकालोगे, मीडियन निकालोगे और मॉड, ये तीनों टॉपिक, मीडियन तो स्पेशली इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में और किसी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, और ये ऐसा नहीं है एग्जाम में बहुत बार आया है मीडियन का टॉपिक। मीन मीडियन मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉइनसाइड, कॉइनसाइड मतलब एक साथ ही उसी लाइन पे आ जाता है। जैसे अगर इसका मीन 2 है तो मीडियन भी 2 होगा और मोड भी 2 होगा। इक्वल एंड कॉइनसाइड एक ही बात है, इक्वल और कॉइनसाइड। एज एक्स इंक्रीजेज न्यूमेरिकली, अब ये बोला जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा फंक्शन क्या होगा तुम्हारा, डिक्रीज। एंड द मिनिमम प्रोबेबिलिटी विल अकर एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू म्यू। ये वाला टॉपिक वैसे भी तुम्हारे मॉड में भी डिस्कस होगा। वैसे क्या बोल रहा है, जैसे जैसे तुम्हारा एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। वैसे भी ग्राफ से भी पता लग रहा है, देखो एक्स को यहाँ पे इंक्रीज करोगे एक्स इक्वल्स टू 1, तो ग्राफ देखो नीचे आता जा रहा है। एक्स इक्वल्स टू 2 पुट करोगे और नीचे, एक्स इक्वल्स टू 3 पे और नीचे, तो धीरे धीरे ग्राफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसने यही बात बोली है कि जो हमारा एक्स है, ये देखो ये एक्स इक्वल्स टू म्यू ठीक है, तो जेड क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 0। मैंने वो पहले वाले में वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, एक्स को क्या लिखते हैं हमेशा म्यू। जब एक्स म्यू हो जाएगा, देखो जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, एक्स को म्यू पुट करो तो जेड क्या हो जाएगा 0। तो एक्स इक्वल्स टू म्यू पे वो क्या होती है, लाइन सिमेट्रिकल होती है, जेड यहाँ पे क्या है 0 हो जाएगा। एक ही बात है, एक्स इक्वल्स टू म्यू लिखो या जेड इक्वल्स टू 0 लिखो। फिर इसने लिखा है ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा और ये वाई एक्सिस है, जैसे जैसे मैं एक्स इंक्रीज करते जा रही हूँ इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ये तो तुम्हारा ग्राफ के अकॉर्डिंग है, जब तुम इसको उसके अकॉर्डिंग देखोगे, इसका इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन में क्या फॉर्मूला था तुम्हारा, पीडीएफ ये था। तो पीडीएफ के अकॉर्डिंग ई की पावर क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो वो नीचे जाएगी, नीचे जाने के बाद वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, ई 1/2 एक्स माइनस म्यू सिग्मा का होल स्क्वायर। अब देखो, अब एक्स को कुछ भी पुट करोगे तुम, ये टर्म और क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। देखो ई कभी 0 तो होता नहीं है, ठीक है, ई का ग्राफ देखना तुम कभी, जब तुम मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, ई का ग्राफ ई होता है, तो 0 कभी टच करके नहीं जाएगा, इंक्रीजिंग वैल्यू होती है। अब ई की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हो तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जा रहा है, जितना डिनोमिनेटर, देखो एक्स को मैं 5 पुट करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ई की पावर बढ़ेगी, ई की, देखो तुम ये पढ़ोगे एक्स से बड़ा कौन होता है, ई एक्स, देखो 1 पे यहाँ पे है, 2 पे ग्राफ क्या है यहाँ पे, 3 पे और बड़ा है, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना। अब जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करोगे ई इंक्रीज होता जाएगा, ये ग्राफ ई एक्स का है, ये इंक्रीज होता जाएगा, तो एज अ होल जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो पूरे के पूरे टर्म क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। जैसे 1/5, 1/7, 1/9, अब बताओ सब में सबसे छोटी कौन सी टर्म है, 1/9, जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी पूरी की पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो वो यही बोला जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा, ये वाला डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, तो ये पूरी टर्म क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो फंक्शन क्या बन गया हमारा, डिक्रीज। ये मैंने तुम्हें इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताया और ग्राफ के अकॉर्डिंग बताई चुकी हूँ कि ये ग्राफ है, जैसे जैसे तुम एक्स को वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे, इस साइड जाओगे, वैसे वैसे ये ग्राफ क्या होता जाएगा, डिक्रीज। और इसने लिखा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब एक्स को क्या पुट कर दोगे, म्यू। क्यों, देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करती हूँ, अंदर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा
और ऊपर क्या चल रहा है स्क्वेयर। एक्स को अगर मैं माइनस टेन पुट करती हूँ और म्यू क्या है सपोज कर लो 15 है तो कितना बनेगा माइनस टेन प्लस 15 माइनस 15 माइनस 25 उसका स्क्वेयर करोगे 625 मतलब पॉजिटिव बनेगा हर हालत में। तो इसने बोला सबसे मिनिमम वैल्यू कब होगी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब ये वाली टर्म क्या हो जाए वन हो जाए पूरी क्योंकि और इसको क्या करते जा रहे हैं 1/5 मतलब कुछ ऐसी टर्म बनेगी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 1 होगी और वो 1 कब होगी जब ये वाली टर्म e की पावर में क्या हो 0 बन जाए। 0 कब बनेगा जब x क्या हो जाए हमारा म्यू जब मैं x को म्यू पुट करूंगी म्यू माइनस म्यू 0 e की पावर 0 1 तो ये पूरी टर्म 1 तो इसका आंसर आ गया खाली ये। तो यही बोल रहा है और वैल्यूज पुट करोगे तो ये और डिक्रीज हो जाएगी इस फॉर्म में आ जाएगा 1/5 1/7 और ये सारे के सारे किससे छोटे होते हैं 1 से। तो ये यही बात बोल रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये मोड में वैसे भी डिस्कस होगा तुम्हारा कि x इक्वल्स टू म्यू पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आती है म्यू पे आती है और देखो इसका मीन भी म्यू आएगा मोड तो है ही दिख ही रहा है कि म्यू के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो भी पता लग जाएगा तुम्हें और मीडियन भी क्या आएगा म्यू आएगा ठीक है वो डिस्कस करेंगे आगे। फिर इसने क्या बोला है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है ग्राफ कितना टेढ़ा जा रहा है ठीक है कुर्टोसिस का मतलब भी वही है लेकिन अब यहाँ पे क्या है हमारा ग्राफ जो है वो टेढ़ा जा ही नहीं रहा। स्क्यूनेस का मतलब होता है वो कितना डेविएट कर गया अपने पाथ से। अब ये तो डेविएट तो क्या ही कर रहा है ऐसे सिमेट्रिकल ऑर्डर में ऐसे जा रहा है। स्क्यूनेस होता है कि कितना वो डेविएट कर गया आंसर अपना उसमें। तो ये बोलेंगे इसकी जो क्यूटोसिस स्क्यूनेस है ये स्क्यूनेस है ना कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस होता है बीटा वन और बीटा टू। बीटा वन यहाँ पे 0 होता है बीटा टू इसका 3 होता है। ये दोनों भी हमारे आगे क्वेश्चन में डिस्कस हो जाएंगे इनकी वैल्यूज कैसे निकाल लिया हमने ठीक है। एक्स एक्सिस इज एन असिम्प्टोट फॉर द कर्व तुमने पढ़ा होगा कैलकुलस में फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में था असिम्प्टोट्स वाला टॉपिक। असिम्प्टोट क्या होता था कि हमारा जो असिम्प्टोट क्या होती है कि कोई भी कर्व जा रहा है जैसे मेरा ये कर्व है तो असिम्प्टोट होती है उसकी बिल्कुल एक पैरेलल लाइन चलती जाएगी धीरे धीरे उन दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल कम होता जाएगा और एट लास्ट इन्फिनिटी पे कहते हैं कि एट लास्ट इन्फिनिटी पे दोनों मीट कर जाएंगे। तो भी यही बोल रहा है कि ये वाला एक्सिस है ये कर्व है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व क्या है यही लाइन है ठीक है। ये धीरे धीरे ये कर्व ऐसे चलता जा रहा है आगे जाके कभी ना कभी ये दोनों क्या करेंगे मीट कर जाएंगे। ये कहते हैं कि इन्फिनिटी में मीट करेंगे लेकिन कभी मीट होते नहीं है तो ये मीट करने वाले हैं। तो ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस का पूरा ये क्या किसका काम करता है एज एन असिम्प्टोट टू द कर्व तो इस कर्व के असिम्प्टोट है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या थी फर्स्ट प्रॉपर्टी बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल अबाउट म्यू एक्स इक्वल्स टू म्यू। सेकेंड मीन मॉड एंड मीडियन तीनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। थर्ड कि ये फंक्शन जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज हो गई। फोर्थ इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पे अकर करती है एक्स एक्स इक्वल्स टू म्यू ठीक है पी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 1/σ√2π। फिफ्थ इसका एक्स एक्सिस जो होता है वो एक्ट करता है एज एन असिम्प्टोट टू द कर्व। तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज हो गई और एक और हो गई बीटा वन और बीटा वन जीरो ये ना भी लिखो तो भी चल जाएगा क्योंकि ये हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे ठीक है। एक्स एक्सिस बोल दो और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है हमेशा जीरो तो वाई इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हो और एक्सिस इज एन असिम्प्टोट फॉर द कर्व ठीक है। अब सिक्स प्रॉपर्टी क्या है सिंस एफ एक्स बींग द प्रोबेबिलिटी कैन नीदर बी नेगेटिव एंड नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। इसने बोला एफ एक्स बींग द प्रोबेबिलिटी एफ एक्स है क्या ये प्रोबेबिलिटीज ही तो है ये जो हमारा फंक्शन था ये क्या बोलते हैं इसको पी एक्स बोलते हैं पीडीएफ पीएमएफ ये क्या होती है प्रोबेबिलिटीज होती है जब हमारा एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है और प्रोबेबिलिटी तुमने पढ़ी है हमेशा ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू और वन से लेस देन या वन के इक्वल होते हैं। हमारा आंसर हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करता है कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। तो ये क्या है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसने बोला है तो जो तभी तो हमारा ग्राफ ऊपर लाई करता है। अच्छा ये बताओ जो डाटा जो हमारा डाटा इधर कर्व बन रहा है वो नीचे क्यों नहीं बनता नीचे कब बनता है जब एक्स की वैल्यू जैसे मैंने वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई एक्स का ग्राफ बनाना है। ई एक्स का ग्राफ क्या होता है ये क्योंकि e की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती माइनस ले लूंगी ना तो वही कर्व उल्टा बन जाएगा तुम्हारा मतलब नीचे नेगेटिव x एक्सिस में तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। y की वैल्यू कब नेगेटिव होगी देखो इस क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर तो वो बोल रहा है कि x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो पीडीएफ में इधर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो तुम्हारी कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। देख लो ये माइनस में था मैं नीचे ले गई यहाँ पे x को कुछ भी पुट कर लो ये लेगा तो पॉजिटिव ना e की पावर 2 है पॉजिटिव और e की पावर कुछ भी करो वो हमेशा पॉजिटिव आती है और ये ऑलरेडी पॉजिटिव होते ही हैं। तो और मैंने बताया था सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो
शुरू में पीडीएफ में ही बताया था, और रूट टू टू पाई है ये भी पॉजिटिव रहेगा और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी पॉजिटिव, तो कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं। तो ये वाई फंक्शन बन गया ना एक्स की, बोलते नहीं थे एफ एक्स इक्वल्स टू जो भी फंक्शन है एफ एक्स को वाई भी मान सकते हो, तो ये वाई की वैल्यू बता रहा है वो कभी नेगेटिव आएगी नहीं, तो नेगेटिव नहीं आएगी तो ग्राफ कभी नीचे बनेगा नहीं। तो वो इसने यही बोला है सिंस एफ बीइंग द प्रोबेबिलिटी कैन नीदर बी नेगेटिव एंड नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज बिलो द एक्सेसिस, इससे नीचे एक्स एक्सिस के नीचे कोई भी ग्राफ का पोर्शन नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये वाला भी तुम्हारा उसमें आ जाएगा एक्सपेंशन में, इसमें लिखा है कि जो इसके ऑड मोमेंट्स हैं, ये 2r+1 का मतलब क्या होता है, म्यू 3, म्यू 5, म्यू 7 और म्यू 1, 0 भी ले लिया ना इसमें, r को 0 पुट करोगे तो म्यू 1 आएगा, तो ये सारे के सारे ना 0 होते हैं, जितने भी ओड मोमेंट्स होते हैं वो सारे 0 होंगे और जितने भी इवन है उनकी वैल्यू ये आएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेरिवेशन आएगी एग्जाम में, वो भी कराऊंगी आगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो वहां पे भी डिस्कस होंगी आगे, तो पर तुम्हें याद रखनी है क्योंकि पेपर में डायरेक्टली आ जाता है डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व आर दिस। इन्फ्लेक्शन भी तुमने पढ़ा होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता था कि किन दो पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू, जैसे मैंने बताया कि मैंने पूरा का पूरा फंक्शन हमारा ना ऐसे चल रहा था, ये दो पॉइंट बना दिए एक्स, ये 2 बना दिया और ये 4, इस पूरे में फंक्शन मेरा ऐसे इंक्रीजिंग था, जैसे यहां आया यहां पर डिक्रीजिंग होना शुरू हो गया, डिक्रीजिंग ओके, और 4 के बाद फिर वो इंक्रीजिंग होना शुरू हो गया, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कौन से हुए, ये दोनों 2 और 4। तो वो यही बोल रहा है कि जो ये भी हमारा आगे आएगा इसमें क्या है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो इन्फ्लेक्शन होते हैं पॉइंट्स वो क्या होते हैं, एक्स इक्वल्स टू म्यू प्लस माइनस सिग्मा, ये भी क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा तुम्हारा। और वैसे तुम्हें याद होगा कैसे निकालते थे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कर्व दे रखा होता है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं वहां से पॉइंट की वैल्यू आती है, उसके बाद उसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं वहां से फिर मिलेगी वैल्यूज, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी मुझे लग रहा है तुम्हें नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चंस में आ जाएंगे, तो फिर एक बार और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। ये थी तुम्हारी प्रॉपर्टीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम कल करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लो क्या है और इनको लिख लेना, अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेना, कुछ हम प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे तुम्हारे।